तो भाई लोग, अपन लोग दिवाली की खुशी में इतना खो गए कि ये भूल ही गए कि आज एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का ट्रेलर आने वाला था। तो ट्रेलर आ ही चुका है, तो चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन से पहले कुछ बातें जान लो जो तुम्हें इस वीडियो से पहले जाननी जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ थ्योरीज भी दूंगा जो हो सकता है कि मूवी में सच हो जाए, तो वीडियो को अपने रिस्क पे ही देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंटमैन मतलब अपना स्कॉटलैंड अपने शहर की गलियों में ज़्यादातर घूम रहा होता है और सभी लोग उसे पहचानते हैं। जैसे हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि उसे कोई भी पहचानता नहीं है, लेकिन इस मूवी में उसे सब पहचानते हैं। सब उसके साथ उसे देखकर खुश हो रहे हैं। एक बच्चा भी वहाँ बैठा होता है जिसके पास एंटमैन के इमेज वाला बैग होता है, और उसकी ड्रेस को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका कलर पैलेट भी एंटमैन के कॉस्ट्यूम जैसा ही होता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा एंटमैन को नहीं पहचान पाता। उसके बाद एंटमैन यानी हमारे स्कॉट लैंग को एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया जाता है उसी ऑफिस में, उसी ऑफिसर मतलब उसके उसी बॉस के द्वारा जिसने पिछली मूवी में उसे नौकरी से निकाल दिया था। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि एंटमैन का सूट है वो अपग्रेड हो चुका है। पहले उसका सूट था वो अलग था, लेकिन इस बार का सूट कुछ नया लग रहा है। फिर उसके बाद वो एक दुकान पर जाता है, एक शॉप में, जहाँ शॉपकीपर उसे स्पाइडरमैन कह के बुलाता है। अब ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि लोग स्पाइडरमैन यानी अपने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। पर साइड में बैठा हुआ यह बंदा भी अचानक से चौंक जाता है कि ये आदमी बिना जाने हुए एक आदमी को स्पाइडरमैन कैसे बुला सकता है, जबकि कोई जानता ही नहीं कि उस मास्क के पीछे कौन है। उसके बाद अपने स्कॉट लैंग की बेटी एक सैटेलाइट की तरह दिखने वाले एक छोटे से डिवाइस का आविष्कार करती है और कहती है कि ये क्वांटम रियम के लिए है। तो वहाँ पर जेनेट वैंडाइन डर जाती है और वो कहती है कि इसे बंद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वो डिवाइस एक्टिव हो जाता है और उन सबको अचानक से वो श्रिंक करके खींच लेता है क्वांटम रियल में। और अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि लड़कियों को इतना आगे क्यों लाया जा रहा है मार्वल में, तो भूलो मत, महिला मंडल जिंदाबाद। तो उसके बाद वो सब पहुंच जाते हैं अपने क्वांटम रियम में, जहां का नज़ारा यार वाकई देखने लायक था। इस सीन के VFX कसम से मार्वल, अब समझ में आ रहा है कि सी हल्क के VFX इतने गंदे क्यों थे। जहां जेनेट सभी को बताती है कि ये हमारे यूनिवर्स के अंदर ही एक सीक्रेट यूनिवर्स है, और वहां वो ये भी बताती है कि क्वांटम रियम के बारे में उसने उन लोगों से कुछ बातें हैं जो छुपाई हैं। उसके बाद ये सभी लोग अपना क्या बोल सकते हैं रूप या भेस बदल कर, इधर उधर से कपड़े जुगाड़ के पहनकर एक क्रिएचर पर राइड करते हुए कहीं जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ एक डिवाइस में एक पावर अप के लिए एक डिवाइस ही एक गोला टाइप डिवाइस लगाया जाता है उस मशीन में, और वो मशीन अचानक से पावर अप हो जाती है, और ये और कोई नहीं अपना कैंग द कॉन्करर था। उसके बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जो मेरे ख्याल से कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली क्रोनोपोलिस सिटी है, जो अपने कैंग द कॉन्करर की मेन सिटी होती है जहाँ वो रहता है, क्योंकि इस सिटी से वो अलग अलग रियल्स में अलग अलग जगहों पर टाइम ट्रेवल करके कहीं भी आसानी से आ जा सकता है। उसके बाद कुछ सीन कैंग की आर्मी के, और उन लोगों ने भी कैंग की तरह कुछ ब्लू कलर के हेलमेट पहन रखे होते हैं। और फिर हमें कैंग का एक फुल एंड फाइनल लुक दिखाया जाता है जो होता है एकदम कॉमिक एक्यूरेट, मतलब उसके चेहरे पर वही स्कार वगैरह पड़े हुए होते हैं। और कसम से इस बंदे को देखकर लग रहा है कि ये वाकई एक कॉन्करर है। अब एंटमैन की वहाँ फाइट होती है कैंग की आर्मी से, और कैंग वहाँ हो सकता है उसे कुछ सीन्स दिखाता है कि उसने पहले कितने सारे एंटमैन को मार रखा है, इसीलिए वो एंटमैन को काफ़ी भागों में स्प्लिट कर देता है और उसे मार मार कर दिखाता है कि वो कितनी आसानी से एंटमैन को मार सकता है। अब हो सकता है कि मेरी ये थ्योरी पूरी तरह से गलत भी हो, लेकिन फिर भी जो मन में आया बता दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एंटमैन की बेटी का लुक उसके कॉस्ट्यूम में, और ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली स्ट्रेचर नाम का एक कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में भी एंटमैन की बेटी ही होती है। अब कुछ बातें नोटिस करने वाली ये हैं कि ट्रेलर, अब मार्वल की मूवी है तो भाई इसमें VFX CGI में आप कोई भी कमी कहीं निकाल नहीं सकते। हाँ, सीएल की बात थोड़ी अलग थी, लेकिन ये एक मूवी फुल एंड फाइनल CGI में एकदम बेस्ट होने वाली है। और ट्रेलर के लिए BGM यानी बैकग्राउंड म्यूजिक की चॉइस इनकी एकदम लाजवाब होती है। इस ट्रेलर में इन्होंने यूज किया है गुड बाय येलो ब्रिक रोड सॉन्ग, जो एक बहुत ही फेमस और अच्छा सॉन्ग है, आप उसे सुन सकते हैं, और इस ट्रेलर पर ये एकदम फिट भी होता है। तो ट्रेलर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब तुम्हें ट्रेलर और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज एंड कीप वॉचिंग मूवीज।